नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर राधेश्याम। डेप्सोन के बारे में हमने डिस्कस कर चुके हैं, आज हम बात करेंगे क्लोफाजेमीन के बारे में। क्लोफाजेमीन भी एंटी लेप्रोटिक ड्रग होती है। इसका एक दूसरा नाम होता है लेमिप्रीन या B663 नाम होता है, तो ये दो नाम भी याद रखना है। क्लोफाजेमीन क्या होती है साहब? एक डाई होती है। ये डाई क्या होती है? रेड डाई होती है, जिसका नाम होता है रेड इम्यूनोफिनाजीन, जिसका नाम होता है रेड इम्यूनोफिनाजीन डाई होता है। अब बात करते हैं इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या करती है। ये एंटी माइक्रोबियल होती है, क्योंकि ये एंटी लेप्रोटिक ड्रग है। और लेप्रोसी के अंदर ये मेनली लेप्रा बेसिलाई पे कौन सा एक्शन करती है? बैक्टीरियोस्टेटिक ड्रग का काम करती है। इट इज ए बैक्टीरियोस्टेटिक, मोर प्रोमिनेंट बैक्टीरियोस्टेटिक। इसके अलावा इट इज ए एंटी इंफ्लामेटरी और इम्यूनो सप्रेसेंट का भी काम करती है। तो ये इसका मैकेनिज्म, एंटी माइक्रोबियल, एंटी इंफ्लामेटरी और इम्यूनो सप्रेसिव मैकेनिज्म होती है। तो क्लोफाजेमिन के बारे में अगर पूछा है, क्लोफाजेमिन किस टाइप की ड्रग है? एक डाई है, एंटी माइक्रोबियल, इम्यूनो सप्रेशन और एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग है। मेटाबॉलिज्म की बात करें तो हाफ लाइफ कितने? 70 डेज का। जीआईटी के अंदर इसका एब्जॉर्प्शन होता है, और साथ में हम देखते हैं कि स्किन और फैटी टिश्यू के अंदर ये डिपोजिशन होता है। स्किन और फैटी टिश्यू में डिपोजिशन की वजह से एक इसका साइड इफेक्ट आएगा, वो हम आगे पढ़ेंगे। और ये स्वेट से भी सिक्रिटेड होता है, पसीने के साथ में भी इसका सिक्रीशन होता है। तो ये जनरल बात हो गई। अब बात करते हैं कि इसका यूज का इंडिकेशन क्या क्या है। वेरी इंपॉर्टेंट इंडिकेशन अपन सभी जानते हैं, लेप्रोसी के अंदर इसका इंडिकेशन है। दूसरा इंडिकेशन है ईएनएल। ईएनएल का फुल फॉर्म होता है एरिथमा नोड्यूसम लेप्रोसम, जो टाइप सेकेंड लेप्रा रिएक्शन होती है। और अदर माइकोबैक्टीरियल इन्फेक्शन के अंदर भी क्लोफाजेमिन डाई यूज कर सकते हैं। तो ये तीन इंडिकेशन एफडीए अप्रूव्ड इंडिकेशन। इसके अलावा ग्रैनुलोमेटस जो डिजीज होती है, ग्रैनुलोमेटस रोजेशिया, ग्रैनुलोमेटस चिलाइटिस, पीजी यानी पायोड्रोमा गैंग्रिनोसा में भी क्लोफाजेमिन B663 का भी यूज कर सकते हैं। तो ये जनरल बात है। वेरी इंपॉर्टेंट, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट, इसका जो साइड इफेक्ट होता है वो क्या होता है? स्लेटी ग्रे कलर पिगमेंटेशन ऑफ स्किन। स्लेटी ग्रे कॉपर कलर या स्लेटी ग्रे कलर पिगमेंटेशन हो जाता है। अब वो पिगमेंटेशन क्यों होता है? स्किन एंड फैटी टिश्यू के अंदर इसका डिपोजिशन होता है। यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, ये पिगमेंटेशन कब दिखाई देना शुरू होगा? ट्रीटमेंट स्टार्ट करने के 3 मंथ के बाद में। और अगर जब हमने ट्रीटमेंट कंप्लीट कर दिया तो ये पिगमेंट रिवर्सिबल साइड इफेक्ट है, तो हम क्या करते हैं, 1 साल के बाद में ये डिसअपीयर होगा। 3 मंथ के बाद में स्टार्ट होता है और क्लोफाजेमिन बंद करने के 1 साल बाद में ये वापस डिसअपीयर होता है। ये वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका, वो याद रखना। इसके अलावा ड्राइनेस होती है, इक्थियोसिस डेवलप होता है। क्लोफाजेमिन इंड्यूस इक्थियोसिस, जिनके एमडीटी चलती रहती है उन पेशेंट्स के अंदर हम देखते हैं ड्राइनेस बहुत वेरी कॉमन कंप्लेन है। जीआईटी के अंदर डिस्टरबेंस और एक लाइफ थ्रेटनिंग साइड इफेक्ट होता है स्यूडो ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन का ऑब्स्ट्रक्शन, स्यूडो ऑब्स्ट्रक्शन। तो ये जनरल स्लेटी ग्रे पिलर पिगमेंटेशन, इक्थियोसिस, जीआईटी डिस्टरबेंस एंड स्यूडो ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ इंटेस्टाइन। अब इसकी डोज क्या होती है? एमडीटी जो मल्टी ड्रग थेरेपी लेप्रोसी के लिए जो देते हैं एमडीटी, तो उसके अंदर ये सिंगल वंस मंथली 300 मिलीग्राम सिंगल डोज वंस मंथली। उसके बाद में डेली हम क्या है 50 मिलीग्राम वंस डेली देते हैं। डेली तो 50 मिलीग्राम और 300 मिलीग्राम एक सिंगल डोज ये देते हैं एमबी एमडीटी के अंदर इसका ये देते हैं। नेक्स्ट आता है ईएनएल के अंदर। सीवियर ईएनएल के अंदर अगर स्टीरोइड से रेस्पॉन्स नहीं कर रहा है तो क्लोफाजेमिन 50 मिलीग्राम पर डे शुरू करते हैं। अगर क्लोफाजेमिन 50 मिलीग्राम पर डे शुरू करते हैं, अगर रेस्पॉन्स आ गया तो वेरी गुड, अगर रेस्पॉन्स नहीं आया तो क्लोफाजेमिन कितनी शुरू करते हैं? 300 मिलीग्राम 300 मिलीग्राम स्टेरॉइड के साथ में क्लोफाजेमिन शुरू करते हैं। तो ये जनरल बात है। इसके अलावा अगर अपन बात करें तो प्रेगनेंसी, सारी एंटी लेप्रोटिक ड्रग, जितनी भी एंटी लेप्रोटिक ड्रग, मेनली जो अपन तीन एंटी लेप्रोटिक, डेप्सोन, रिफाम्पिसिन और ये क्लोफाजेमिन, ये तीनों एंटी लेप्रोटिक ड्रग प्रेगनेंसी कैटेगरी सी के अंदर आता है। अगर प्रेगनेंसी के अंदर लेप्रोसी है तो हमें ये ड्रग्स कंटिन्यू रखनी है, ये जनरल बात है। तो ये क्लोफाजेमिन के बारे में जनरल जनरल बातें हैं। ये एक डाई होती है और इसका मेन साइड इफेक्ट होता है स्लेटी ग्रे पिगमेंटेशन होता है। ये 3 मंथ के बाद में स्टार्ट होता है, 1 ईयर के बाद में डिसअपीयर होता है, एमबी एमडीटी का मेन पार्ट होता है। इसके अलावा ईएनएल के अंदर भी इसको दे सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।